और उनके पास से वो जो दोनों युवक थे वह कूदे और उसके बाद ये पूरी घटना हुई। ये सांसद हैं हमारे साथ, धर्मशील माने जी हैं, शिवसेना से, कोल्हापुर से। सर आप कहाँ थे और क्या पूरी घटना हुई बताइए न्यूज़ 18 में। हम लोग चार नंबर गैलरी में से हम लोग प्रोसीडिंग्स देख रहे थे। मेरे साथ मेरे महाराष्ट्र से कई लोग आए हुए थे, मेरे दोस्त और परिवार के लोग थे, तो उनके साथ मैं देख रहा था। तभी दो लाइन आगे, जैसे आप जानते हो गैलरी में दो चार लाइनें रह पाँच छः लाइनें रहती है, तो मैं दो लाइन आगे वो बंदे बैठे हुए थे, फर्स्ट लाइन में वो थे। एक बंदे ने अचानक से कूदी मारी और उसके बाद दूसरा भी बंदा उसके पीछे पीछे कूद गया। जो पहला कूदा था उसके शूज़ में कुछ तो छुपा के लेके गया था वो, और वो उधर जाके उसने तोड़ा या फिर स्प्रे किया पता नहीं, लेकिन सब पीला पीला धुआं निकलने लगा, स्मोक जैसी स्थिति तैयार हो गई, स्मेल गंदा सा आने लगा और लोग वहां से भागने लगे। सर कितने लोग गैलरी से कूदे थे? दो लोग गैलरी से कूदे थे, एक बंदा पहले कूदा उसके पीछे पीछे लटकते हुए, दूसरा बंदा उसके रेलिंग है गैलरी को, उस रेलिंग को पकड़ के वो नीचे वापस कूदा। अच्छा, चूंकि आप भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ साबित करना चाहते थे क्या वो, मतलब मन में मंशा क्या वो थी? समझ नहीं आ पाया क्योंकि क्या उनकी मंशा थी, क्यों वो अचानक से कूद पड़े वो कुछ नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखने वाले लोग थे, वो आगे बैठे हुए लोग थे। बाकी वहां आप पेन पेंसिल या फिर अपने साथ कॉइन्स भी नहीं ले जा सकते, लेकिन वो शूज़ के नीचे से कुछ तो छुपा के ले गया था। पहले लोगों को लगा कि वो शूज़ किसी को फेंक के मारना चाहता है, लेकिन उसके शूज़ के अंदर उसने कुछ तो छुपाया हुआ था। क्या संसद की सुरक्षा में इसको आप चूक? नहीं, ये जाहिर सी बात है कि संसद की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है और निश्चित रूप से इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और कड़े कदम इसके बारे में सभापति महोदय उठाएंगे। तो ये 13 दिसंबर का दिन है, उस दिन ये ऐसी घटना हुई और बावजूद इसके ये थे सांसद कोल्हापुर से, सांसद जिनके सामने जो ये कह रहे हैं कि ये पूरी घटना हुई। देखिए, और हम चश्मदीदों से यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं उन परिस्थितियों में क्या हुआ था। ये आप देखिए तस्वीरें, देखिए यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों की यहाँ पर तस्वीरें, यहाँ पर अमित हम आपका रुख करेंगे, आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा, लेकिन मेजर जनरल शिवाय, जिस तरीके से शिराज जी, जिस तरीके से सिंबोलिज्म की बात सामने आ रही है कि वो अटैक नहीं करना चाहते थे, कुछ सांकेतिक मैसेज देना चाहते थे, लेकिन ये कैसा सिंबोलिज्म है? स्पीकर ने भी बताया कि इसमें ये तो है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, वो कैसे अंदर आके जंप मार गया, उनके पास कैनिस्टर थे जो कलर्ड कैनिस्टर थे, जिस प्रकार से फौज में उसको हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सच्चाई है कि कोई ऐसा उनका कोई एम नहीं लग रहा, मगर वो बात अलग है। बात यह है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के अंदर चूक है, इसका मतलब ध्यान देना पड़ेगा, जो विजिटर गैलरी है उससे भी कोई जंप मार सकता है, उसके लिए भी कोई ना कोई आगे बंदोबस्त करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि सक्षम है गवर्नमेंट, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और पता लगाएगी कि क्या थे, कौन थे ये, कैसे आए, क्योंकि मल्टी टीयर आपकी सिक्योरिटी चेकअप होता है वहाँ के बावजूद, ये कैनिस्टर कैसे लेके आगे पैर के अंदर डाल के जूतों में, तो वो साइड इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एके शिवाजी, जो आप बात कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है कि मल्टी लेयर सुरक्षा होती है, लेकिन जो सांसद जो पास दिलवाते हैं उनको भी तो सावधानियां बरतनी चाहिए कि सिर्फ किसी की सिफारिश पे ऐसे पास दे दिया अपने स्तर पर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है कि उन्होंने तो शायद उनके पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंसी थे उन्होंने पास दिया, और सिक्योरिटी चेक भी हुआ पूरे उनकी, एक प्रकार से बॉडी स्कैनिंग होती है, मैं खुद अंदर गया तो मुझे मालूम है बॉडी स्कैनिंग होती है, पूरा चेक होता है, शूज भी निकाल के देखे। लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी चूक हुई है। इसके बाद हम दिनेश नैन जी के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि रेड और येलो कलर के जो धुआं इस्तेमाल हुआ था क्या उसका भी कोई मतलब होता है, लेकिन पहले अमित का रुख कर लेंगे। अमित, क्या कोई इंपॉर्टेंट तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखिए संसद का ये ठीक है एंट्रेंस है और एंट्रेंस के सामने चुनिंदा लोगों की एंट्री होती है, हम भी नहीं एंट्री अंदर कर सकते क्योंकि हमारे पास कवरेज का, अंदर के एंट्री का हमारे पास पास नहीं है, इसलिए बाहर हम खड़े रहते हैं। तो इस स्थल पर जो है सुरक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है, देखिए लगातार जवानों की तैनाती है,
वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है और अर्धसैनिक बलों के जवानों को यहाँ की तैनाती बहुत महत्वपूर्ण विजुअल्स हैं क्योंकि अंदर इससे पहले तैनाती होती थी, इस घटना के बाद अब बाहर यहाँ पर इन जवानों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। मल्टी लेयर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। देखिए एक ओर अर्धसैनिक बलों की जवानों की तैनाती और दूसरी ओर दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ के जवानों की तैनाती है। तो कुल मिलाकर बेहद गंभीरता से इस घटना को यहाँ पर ले रहे हैं और जो जो सिक्योरिटी वाले जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं। बेहद संवेदनशील घटना है इसलिए हर एक विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये गाड़ियां भी हैं, ये लगातार आला अधिकारी जो हैं दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम बराबर इस गाड़ी को ट्रैक करेंगे, अभी मेरे पर ही रहेगा, ये अधिकारी इसमें से उतरेंगे, हम इनसे पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस इसी पूरे मामले की जाँच कर रही है, शायद अभी वो गाड़ी से ही वो चक्कर यहाँ पर लगा रहे हैं। इसका मतलब कि ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ने अपने ले ली है और जो संसदीय कमेटी संसदीय सुरक्षा विंग को ये पूरी जानकारी दे दी गई है, इसीलिए लोकसभा स्पीकर का भी यहाँ पर बयान आया है। अब बिंदुवार तरीके से और तफ्तीश की जा रही है किन परिस्थितियों के भीतर किस पास के आधार पर कैसे उस शख्स का बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, मैं रोकूंगी, अमित रवि बुला रहे हैं। रवि क्या अपडेट है आपके पास? इसमें पार्लियामेंट की तस्वीरें यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर अफरा तफरी का माहौल है और अब से थोड़ी देर पहले जो संसद की सुरक्षा में चूक जो सामने आई है उसको लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं क्योंकि 2001 में एक बड़ा हादसा एक बड़ा अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे और उसके बाद आज सोशल मीडिया पर उसको लेकर तमाम जो लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे तमाम ऐसे शहीदों पर और उसके बाद आज सुरक्षा में बड़ी चूक, दो युवक जो दर्शक दीर्घ से अचानक जो पार्लियामेंट की कार्यवाही चल रही थी लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी उसके अंदर कूद पड़ते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट के जो कार्यवाही के दौरान ही सांसदों के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनको डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है, पार्लियामेंट थाने उनको लेके जाया गया है और पूछताछ इस समय चल रही है। उनके इस पीछे उनकी क्या मंशा रही है वो तमाम चीजें जानकारी ली जा रही है कि आखिर में क्यों आए थे विजिटर पास पर, तो ये जानकारी हो चुकी है कि किसके नाम पर किसके रिकमेंडेशन पर वो आए थे। मैसूर से जो सांसद हैं उनके रिकमेंडेशन पे आए थे, यानी कि जो सांसद हैं उनके रिकमेंडेशन पे ही विजिटर गैलरी में तमाम लोग आते हैं। लेकिन पार्लियामेंट की इसमें तस्वीरें दिखाएं, पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीरें, इसमें तमाम ऐसे विजिटर्स जो यहां पर मौजूद हैं तमाम लोग क्योंकि अफरा तफरी के माहौल और हमारे साथ में अब इस समय मलूक नागर है। मलूक नागर ये देखिए जो सांसद हैं लोकसभा के और उस दौरान जो कार्यवाही चल रही थी उस दौरान ये मौजूद थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उन युवकों को पकड़ने में इनका बड़ा योगदान रहा है। मलूक जी बताएं कि क्या हुआ था? देखिए 5 या 6 मिनट एग्जैक्ट बची थी 0 आवर के समय में और फिर लंच हो जाना था, तो जैसे ही पीछे से धड़ोम जैसी आवाज आई तो मुड़के देखा ये कोई गिरा या किसी ने धक्का दे दिया या इसका पैर रपट गया, तो देख ही रहे थे तो ऊपर से एक और कूदा, तो जैसे ही ऊपर से कूदा तो बिल्कुल साफ लग गया कि इंटेंशन खराब है इन लोगों की, तो उसकी तरफ को वो जो पहले वाला था जब तक जो दूसरा कूदा वो तो पड़ा ही रह गया, जो पहले वाला था वो उठ करके और भागा, जिधर से निकलते हैं उसमें नहीं गया, वो जिधर भागते हैं उसमें नहीं गया, वो सीटों के ऊपर जंप 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 तीसरी रो में जंप कर रहा था, उधर से हम भागे, एक तरफ से बेनीवाल भागा और उसको जाके दबोचने वाले थे तो तुरंत उसने जूता निकाला। अच्छा। तो एक सेकंड को हमें झटका सा लगा कि कहीं ये जूता फेंक के मारेगा, फिर लगा चाहे मारे कम से कम वेपन हुआ और वो निकाल ले तो वो खतरनाक रहेगा, इसलिए पूरी दबोचा, मुंह की तरफ से उसने दबोचा, पिछली तरफ से यहां से पकड़ के बीच के हिस्से में से मैंने पकड़ा और 4-5 MP और आगे और उसकी पिटाई करनी शुरू करी, तो उसमें से जो जूते में से उसने कोई चीज निकाली थी और ध्यान उसका उसे खींचने में गया, खोलने में गया और उसके बाद जो धुआं निकला है कुछ पीला सा और कुछ नीला नीला सा और पूरे में धुआं धुआं हो गया संसद में भी और संसद के गेटों में से बाहर के लिए भी आने लगा। दोनों युवकों के जूते में केमिकल्स था या कोई सामान था जो निकालने की कोशिश कर रहे थे? दूसरा तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, वो तो कहीं जहां से पड़ा है तो गिरा या किसी और ने, हमारे पास तो एक ही कब्जे में पकड़ा जिसको हमने पकड़ा, उसने अपने जूते में से निकाला जिससे वो कुछ चीज खोली जिससे गैस पूरा हुआ और वो स्थिति तो ऐसी थी कि अब तो आपके टेलीजन बैठ के हम सोच रहे हैं कि चलो भगवान का शुक्र है बच गए, उस समय तो ये था कि मरने वाले हैं और किसी तरह ये इस पे वेपन है बने तो पकड़ लो चला ना पाए। हाँ। उस झटके से उस पे हम कितनी अफरा तफरी का माहौल हो गया था सांसदों के अंदर, ज्यादातर बाहर को भाग लिए थे। हाँ।
कुछ हम उसे पकड़ने पे भाग लिए थे और पिटाई भी की, नील भी पड़े। पहली बार एमपी बनने के बाद किसी का हाथ लगा तो बिल्कुल एकदम। क्या उम्र रही होगी, क्या उम्र थी? 25 से 30 साल के बीच में दोनों की उम्र। किसी तरीके की नारेबाजी कर रहे थे वो? हाँ, कुछ इस तरह एक दो बात आई कि तानाशाही नहीं चलेगी, एक आध शब्द इस तरह का हुआ। यानी उन्होंने कहा कुछ नहीं और एक्शन था कि जिधर स्पीकर बैठते हैं, जिधर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स बैठते हैं, उधर की तरफ को भागा वो, क्योंकि वो पिछली तरफ है वहां से, और आगे की तरफ को भाग रहा था वो जंप जंप करके। 2001 में बड़ा अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे और आज ही का दिन है 13 दिसंबर, क्या उसकी याद भी आई? 100% याद भी आई। सुबह उनको फूल चढ़ा के आए थे, है ना, ऐसी घटना घट रहे, उनकी याद आई, अपनी मौत का डर भी लगा। और ये बिल्कुल प्री प्लांड था, उन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ था, जिस तरह जूते में छिपा के ले गए, जिस तरीके से कूदे, जिस तरीके से स्पीकर जिधर मिनिस्टर्स बैठते हैं उधर को भागे, पूरी प्री प्लांड था और एक सोची समझी साजिश के तहत। सांसदों के पास पर विजिटर गैली में लोग आते हैं, दर्शक दीर्घा में, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा को लेकर अब एक दूसरी तरफ से एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है? देखिए, ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर जूते में कोई चीज छिपी है तो इसको कैसे चेक हो, सिक्योरिटी को टाइट कैसे करें, और उनका एक आधा मिनट बातचीत करके उनको कैसे स्टडी। हम आपके पास और अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन संदीप का रुख कर लेंगे। संदीप, आप डिफेंस लगातार कवर करते रहे हो, ऐसे में सबसे पहले तो मल्टी लेवल